शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाड़ी में ट्रैक्टर लोडिंग और अनलोडिंग के लेकर भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा ने एमआरडीसी हिंगना के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ एमआरडीसी परिवहन शाखा में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि गलत तरीके से गाड़ी में ट्रैक्टर लोड और अनलोड करवाने की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और एक्सीडेंट होने की संभावना है। मैं अपने पीआई साहब हैं, उनको मैंने निवेदन दिया और निवेदन में बताया कि जो महिंद्रा से उल्टे ट्रैक्टर गलत सीधे पे लोड किए जा रहे हैं, गलत तरीके से जो एक्सीडेंटियल के मेन संभावना लोगों को बढ़ती है, आने जाने में तकलीफ होती है, तमु विशेष उनका जाकर वहाँ पे लेटर दिया और डीसीपी साहब को भी लेटर देके आया हूँ नागपुर शहर में भी, और संजय यादव साहब ने कार्रवाई करने का फुल भरोसा दिया है, अच्छे तरह से भरोसा दिया है कि आपको अगर गलत तरीके से कोई भी गाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग करता है या उसके बदौलत एक्सीडेंटियल के केसेस बनते हैं, जनता आम जनता को चलने में परेशानी हो रही है, उस विषय को लिए उन्होंने कार्रवाई करने के लिए तुरंत आदेश भी जारी किए हैं और आगे कार्रवाई भी करवाएंगे। जैसे हमारे साथ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के भी लोग गए थे, शिवाजी वाहन चालक संस्था एसोसिएशन के भी लोग गए थे, अपने जो इग्ना के अंदर अंतर्गत में जो भी अपने आते हैं, जैसे अपने कल्पना लोखंडे जी भी, वो भी साथ में गई थी, संघर्ष लोखंडे जी के साथ में गए थे, सब ने मिलकर हमने आवेदन दिया और उन्हें संपूर्ण कार्रवाई करने के लिए शिवाजी वाहन चालक संस्था के जो अपने सदस्य या प्रशासनिक तौर पर प्रशासन भी काम करने के लिए उन्होंने साथ में देने के लिए बोला है और इनको भी बोले कि आप मेरे साथ में मिलकर काम करें, इस विषय पर उन्होंने काम करने के लिए संपूर्ण अपना सहयोग देने का वादा किया है। मी संजय जाधव, पुलिस निरीक्षक एमआरडीसी वाहतूक शाखा नागपुर शहर। आज रोजी भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा चे अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा जी इथे आलेले आहेत आपल्या चेंबरला, येऊन त्यांनी महिंद्रा महिंद्रा कंपनी जी एमआयडीसी मध्ये स्थित आहे त्या गाडीने त्यांच्या जे टायर प्रोडक्शन आहे ते एका ट्रॉलीवर पाच पाच लोडिंग करून घेऊन जातात अशी त्यांची तक्रार आहे आणि त्याच्यामुळे रस्त्याच्या आवागमनला किंवा रस्ता लहान असताना त्यामध्ये इतर दुसरे वाहनं जात आहेत त्यांना अडचण निर्माण होत आहे, अपघात होण्याची शक्यता आहे, अशा प्रकारे त्यांनी आपल्या आम्हाला निवेदन दिलेलं आहे। इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।